पिछोर के टेकरी सरकार गौशाला पर स्वामी विवेकानंद जन्म महोत्सव कार्यक्रम मनाया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पिछोर विधायक पूर्व मंत्री केपी सिंह कग्गाजू एवं कार्यक्रम के अध्यक्ष नगर परिषद अध्यक्ष कविता विकास पाठक रहे। कार्यक्रम में सबसे पहले मुख्य अतिथि विधायक केपी सिंह कग्गाजू ने दीप प्रज्वलित किया, भारत माता की तस्वीर पर माल्यार्पण किया एवं स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके चरणों में नमन किया। मातृभूमि जन कल्याण समिति द्वारा 26 वर्षों से स्वामी विवेकानंद जन्म महोत्सव 1 जनवरी से 12 जनवरी तक मनाया जाता है। जन्म उत्सव कार्यक्रम में स्कूली बच्चों की कई तरह की प्रतियोगिताएं कराई जाती है, जैसे भाषण प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, पहाड़ा प्रतियोगिता, रंगोली प्रतियोगिता। इस उत्सव में बच्चे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और प्रतिदिन प्रतियोगिता में आते हैं। आज प्रतियोगिताओं का समापन हुआ। समापन के दौरान प्रतियोगिता में जीते हुए स्कूली बच्चों को पिछोर विधायक पूर्व मंत्री केपी सिंह कग्गाजू ने प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया और कार्यक्रम के संचालक रजनीश तिवारी जी की जमकर विधायक ने प्रशंसा की। विधायक केपी सिंह जी ने कहा कि रजनीश तिवारी लगातार 26 वर्षों से इस कार्यक्रम को निस्वार्थ भाव से करते हैं, ये वास्तव में बहुत ही सराहनीय कार्य है। कार्यक्रम में पिछोर नगर के गणमान्य नागरिक एवं पत्रकारगण एवं नगर के लोग उपस्थित रहे। विधायक जी, आज पिछोर में स्वामी विवेकानंद जयंती के उपलक्ष्य में 26 साल से निरंतर मातृभूमि जन कल्याण समिति द्वारा ये कार्यक्रम किया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? ये इसमें जो आयोजन समिति के संयोजक हैं और उनकी पूरी टीम, अब उनको आचार्य रजनीश भी ये बोल सकते हैं, 26 साल हो गए, तो आचार्य रजनीश जी को बहुत, उनका बहुत बड़ा योगदान है और किसी भी आयोजन को लगातार चलाते रहना इस देश में बड़ा मुश्किल काम होता है। और पिछोर बहुत छोटी जगह है और छोटी जगह पे ऐसा आयोजन जिसके बारे में लोग बहुत ज़्यादा रुचि नहीं रखते हैं, और नई पीढ़ी के लिए जो दिशा देने का जो काम करते हैं रजनीश जी, वो बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं। और रजनीश और उनकी टीम को मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और रजनीश की जो कोशिश है और उनका जो मन है और उद्देश्य है उसमें ईश्वर उनको सफलता दे और स्वामी विवेकानंद जी की कृपा भी उन पर बनी रहे, यही मेरी आज के दिन उनको शुभकामनाएं हैं।